अपने आप को झोंक दिया, उस किराने दुकान पे गया और जाके उस शटल को बंद किया और बंद करने के बाद उसने डिसीजन लिया कि आज के बाद एक ही बिजनेस चलने वाला है, क्योंकि एक साथ में दो बिजनेस में कोई कामयाब नहीं हो सकता। जैसे घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद आपको पता ही है कि जब अपना पुराना काम हम छोड़ते हैं और नया काम का शुरुआत करते हैं तो आपके घर पे कितना इज्जत मिलता है, कितना आपको मान सम्मान मिलता है पता है। घर के लोग झाड़ू लेके वेट कर रहे थे, घर के लोग इंतजार कर रहे थे, बोले कि दुकान बंद करके 12 बजे आते हो, आज क्या कारण है कि 8 बजे पहुंच चुके हो। मैं डर के बताया कि जिस दुकान को चलाता था उस दुकान को बंद कर दिया, क्योंकि हमारे ग्रेट चेयरमैन माननीय श्री अशोक भाटिया जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उनकी एक वीडियो मैंने देखा और उनकी बात को सुना कि एक साथ में एक ही काम करने हैं, जिसका एक बाप होता है और एक बात होता है वही सफल होता है, बाकी के लोग नहीं होते। मैंने उनके बात को सुना और सुनने के बाद सोचा, वो बताते रहते हैं कि एक राजा के पास दो बाज थे, एक उड़ता था और दूसरा उड़ ही नहीं पा रहा था। राजा ने मंत्री को बुलाया और बुला के आदेश दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ा के दिखाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। मंत्री ने चारों तरफ अपने राजपाट में अनाउंसमेंट करा दिया, लेकिन काफी लोग परेशान हो गए और बाज उड़ ही नहीं पा रहा था। उसी रास्ते से किसान जा रहा था और किसान ने उस बाज को उड़ाया। राजा खुश हुए और किसान को बुलाया और पूछे कि सारे लोग परेशान थे, हार चुके हो, आपने क्या किया कि ये बाज उड़ गया। उस किसान ने जवाब दिया कि जिस डाल पे जाके बैठता था उस डाल को ही मैंने काट दिया, जिस डाल पे बैठता था उस डाल को ही काट दिया, और मेरा बहाना रूपी डाल था किराने का दुकान, और आपका बहाना रूपी डाल हो सकता है आपका और भी बिजनेस, इसके अलावा नौकरी जो भी आप करते हैं। 10,000 के लिए हम फुल टाइम काम करते हैं और जहां से करोड़पति बनना है उसको बोलते हैं कि IMC को सीख रहा हूं, IMC को देख रहा हूं। दोस्तों उसी